नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इंडियन फ्लाइंग के आज की इस नई वीडियो में। रोजाना की तरह हम फिर से आप सभी लोगों के लिए एयरलाइंस और ट्रेवल से जुड़ी हुई कुछ बेहद जरूरी और काम की खबरों को लेकर आ चुके हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इन बड़ी खबरों को। पहली बड़ी जो अपडेट आ रही है वो मुंबई एयरपोर्ट से आ रही है। आपको बता दें कि मुंबई एयरपोर्ट की तरफ से एक नया नियम लागू कर दिया गया है, जिसके अनुसार अब जो पैसेंजर्स भी डोमेस्टिक फ्लाइटों से मुंबई एयरपोर्ट पर ट्रैवल करके जाएंगे, उन सभी लोगों को अपने साथ कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है। ये जो नया नियम लागू किया गया है ये केवल ऐसे लोगों के लिए है जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज ली हुई है। यानी कि यदि आपने भी वैक्सीन की दोनों डोज लगा ली है और वैक्सीन के दोनों डोज लगाने के बाद यदि अब आप मुंबई एयरपोर्ट पर ट्रैवल करके जाएंगे तो आपको मुंबई एयरपोर्ट पर ट्रैवल करते समय अपने साथ कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है। आपको बताना चाहेंगे कि मुंबई एयरपोर्ट से पहले ये जो नियम है भारत के कई बड़े एयरपोर्ट्स ने पहले ही लागू कर दिया है, लेकिन मुंबई एयरपोर्ट ने अभी भी इस नियम को कंपलसरी रखा हुआ था। लेकिन अब यहाँ पर मुंबई एयरपोर्ट ने भी फाइनली इस नियम को हटा दिया है और अब आप मुंबई एयरपोर्ट पर बिना कोरोना वायरस नेगेटिव रिपोर्ट के ट्रैवल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यहाँ पर यूके से आ गई है। आपको बता दें कि भारत की एम्बेसी जो कि यूके में है उसकी तरफ से यहाँ पर जानकारी शेयर की गई है कि जो भी भारतीय सिटीजन हैं जो भी इस समय यूके में रह रहे हैं और यदि उनका पासपोर्ट यहाँ पर एक्सपायर हो चुका है 30 जून से पहले पहले तो वो यहाँ पर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेने के लिए उनको passport.london@mea.gov.in पर ईमेल करना है और अब यहाँ पर सभी लोगों को अपॉइंटमेंट के जरिए जो है भारत की एम्बेसी जो कि यूके में है वो इन सभी लोगों को बुला रही है, जिससे कि जिन लोगों का भी पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका है वो सभी लोग अपना पासपोर्ट रिन्यू करवा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगली अपडेट यहाँ पर स्कॉटलैंड को लेकर आ चुकी है। आपको बता दें कि स्कॉटलैंड में कोरोना वायरस के केसेस कम होने के बाद अब वहाँ की गवर्नमेंट जो है पूरी तरीके से लॉकडाउन के नियमों को ख़त्म कर रही है और जितने भी कोरोना वायरस से जुड़े हुए रिस्ट्रिक्शन लगाए हुए थे उन सारे रिस्ट्रिक्शन को हटाया जा रहा है। लेकिन अभी भी फेस मास्क को मैंडेटरी रखा गया है, यानी कि यदि आप इस समय स्कॉटलैंड के लिए ट्रैवल करके जाना चाहते हैं तो इससे जुड़े हुए नियम एक बार आप अपने ट्रैवल एजेंट से पता कर लें, क्योंकि अब यहाँ पर स्कॉटलैंड की जो गवर्नमेंट है वो सारे नियम को हटा रही है, यानी कि आगे आने वाले समय में सभी लोग स्कॉटलैंड के लिए ट्रैवल कर सकेंगे। फ्रेंड्स, अगली अपडेट यहां पर भारत और सऊदी अरब के उड़ानों को लेकर जान लेते हैं। आपको बता दें कि दोनों देशों के बीच में अभी तक उड़ानें चालू नहीं हो पाई हैं, जिस कारण से यहां पर बहुत सारे ट्विटर पर लोग हैं जो कि लगातार दोनों देशों के बीच में फ़्लाइटों को चालू कराने के लिए लगातार ट्वीट कर रहे हैं। आपको बता दें कि जब यहाँ पर नए सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिराज सिंधिया आए थे तो इन सभी लोगों को उम्मीद थी कि ज्योतिराज सिंधिया अवश्य ही फ़्लाइटों से जुड़ी हुई जानकारी देंगे और दोनों देशों के बीच में फ़्लाइटों को चालू करवाएंगे, लेकिन अभी भी ज्योतिराज सिंधिया की तरफ से भी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को चालू कराने को लेकर कोई भी अपडेट अभी तक शेयर नहीं की गई है, जिस कारण से अब यहाँ पर ट्विटर पर बहुत सारे लोग जो हैं ज्योतिराज सिंधिया को टैग करके लिख रहे हैं कि वो यहाँ पर सिविल एविएशन मिनिस्टर तो बन गए हैं लेकिन फ़्लाइटें कब चालू करवाएंगे इसको लेकर कोई भी जानकारी नहीं दे रहे हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अगली अपडेट यहां पर दुबई एयरपोर्ट की तरफ से आ गई है। आपको बता दें कि ईद के मौके को देखते हुए बहुत सारे लोग इस समय दुबई एयरपोर्ट के माध्यम से ट्रैवल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको लेकर यहां पर दुबई एयरपोर्ट की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है कि यदि आप इस समय दुबई एयरपोर्ट के लिए ट्रैवल करने की सोच रहे हैं तो कम से कम 3 से 4 घंटे पहले दुबई एयरपोर्ट पर पहुँच, ताकि आप सभी लोगों के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो भी यहाँ पर चेकिंग के प्रोसेस हैं वो आसानी से पूरे किया जा सकें। आपको बता दें कि ईद के मौके को देखते हुए बहुत सारे लोग इस समय गल्फ देशों में हैं जो कि ट्रैवल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस कारण से इस समय दुबई एयरपोर्ट पर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक देखा जा रहा है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको ये भी बता दें कि ईद के मौके को देखते हुए इस समय भारत और दुबई के बीच में कई एयरलाइंस कंपनियां अपनी चार्टर फ्लाइटों को भी ऑपरेट कर रही है। आपको बताना चाहेंगे कि अभी भी दोनों देशों के बीच में सीधी उड़ानें चालू नहीं होने के कारण जिन लोगों को यहाँ पर दुबई के लिए ट्रैवल करना है उनके पास केवल दो रास्ते हैं, या तो वो दुबई ट्रैवल करने के लिए किसी भी दूसरी कंट्री में 14 दिन का स्टे कर सकते हैं या फिर वो दुबई जाने के लिए चार्टर फ्लाइट की मदद ले सकते हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर चार्टर फ्लाइटों की लगातार मांग बढ़ रही है। यदि आप भी चार्टर फ्लाइटों के माध्यम से दुबई के लिए ट्रैवल करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 3 लाख से 5 लाख तक का किराया लग सकता है। फ्रेंड्स, एक और बड़ी खबर यहाँ पर मालदीव को लेकर आ चुकी है। आपको बता दें कि गो एयर, जिसका नाम अब गो फर्स्ट हो गया है, उसने भी 15 जुलाई से अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें मालदीव के लिए चालू कर दी है।
यदि आप भी यहाँ पर मालदीव के लिए ट्रैवल करके जाना चाहते हैं तो गो फर्स्ट से ट्रैवल करके जा सकते हैं। मालदीव ट्रैवल करने के लिए आपको वैक्सीन की दोनों डोज लगी हुई होनी चाहिए और इसके अलावा आपको अपने साथ कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर ट्रैवल करना पड़ेगा। मालदीव जाने के बाद आपको क्वारंटीन में रहने की जरूरत नहीं है यदि आपने भारत की अप्रूव्ड वैक्सीन लगा रखी है तो। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यहां पर पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर आ चुकी है। आपको बता दें कि भारत में मौजूदा कोरोना वायरस और लॉकडाउन के नियमों को देखते हुए पीएम नरेंद्र मोदी भारत के 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से एक अर्जेंट मीटिंग करने वाले हैं। ये जो मीटिंग है ये 16 जुलाई को होने वाली है और ऐसी उम्मीद सामने आ रही है कि इस मीटिंग में कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि इस मीटिंग में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, उड़ीसा, महाराष्ट्र और केरला के मुख्यमंत्रियों को शामिल किया गया है। देखना यह रहता है कि इस मीटिंग के बाद क्या बड़े फैसले लिए जाते हैं और देश में किस तरीके के लॉकडाउन और कोरोना वायरस से जुड़े हुए नियम लागू किए जाते हैं। फ्रेंड्स अगली खबर यहां पर भारत और कनाडा की उड़ानों को लेकर जान लेते हैं। आपको बता दें कि दोनों देशों के बीच में अभी भी सीधी उड़ानें चालू नहीं हुई हैं, लेकिन जिन लोगों को भी कनाडा में ट्रैवल करना था वो सभी लोग यहां पर सर्बिया के रास्ते ट्रैवल कर रहे थे। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि सर्बिया की गवर्नमेंट के द्वारा कंपलसरी क्वारंटीन के नियम को लागू करने के बाद अब इन सभी लोगों के लिए मुसीबत आ गई है, क्योंकि अब जितने भी लोग बाया सर्बिया होकर कनाडा ट्रैवल कर रहे थे या फिर कनाडा से सर्बिया होकर भारत आ रहे थे, अब ये सभी लोग ट्रैवल करके नहीं आ पा रहे हैं। अभी 2 दिन पहले ही इस नियम को लागू किया गया था जिससे कि हजारों की संख्या में भारतीय वहां पर फंस चुके थे, जिसको कि वहां पर भारत की एम्बेसी जो कि सर्बिया में है उसकी मदद से इन सभी लोगों को वहां पर बचाया गया। फ्रेंड्स यहां पर एक और बड़ी अपडेट एयर इंडिया को लेकर आ चुकी है। आपको बता दें कि एयर इंडिया जो है US के लिए अपनी नई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को चालू कर रही है। एयर इंडिया की ये स्पेशल फ्लाइट यहां पर 24 जुलाई और 31 जुलाई को ऑपरेट होने वाली है। आपको बता दें कि एयर इंडिया इससे पहले भी रेगुलर बेसिस पर अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें US के लिए ऑपरेट करती हुई आ रही है, लेकिन ये 2 फ्लाइटें यहां पर स्पेशल तौर पर चालू की जा रही है। यदि आप भी इन फ्लाइटों की बुकिंग करना चाहते हैं तो एयर इंडिया की वेबसाइट पर जाकर बुकिंग कर सकते हैं, या फिर आप एयर इंडिया के बुकिंग ऑफिस या फिर उनके कॉल सेंटर या फिर आप किसी भी ऑथराइज्ड ट्रैवल एजेंट के माध्यम से इन फ्लाइटों की बुकिंग करके US ट्रैवल कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगली अपडेट यहां पर भारत में वैक्सीन को लेकर जान लेते हैं। आपको बता दें कि भारत में इस समय तकरीबन 38,50,00,000 से भी अधिक लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। ये जो हम आपको आंकड़े बता रहे हैं ये बीते कल के आंकड़े हैं और इसके अलावा यहां पर ये भी जानकारी शेयर की गई है कि पिछले 24 घंटे में 34,00,000 से भी अधिक लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर रोजाना बेसिस पर भारत में तकरीबन 40,00,000 से 50,00,000 लोगों को रोजाना वैक्सीन लग रही है। भारत में जिस तरीके से वैक्सीन लग रही है, जितनी स्पीड से यहाँ पर वैक्सीन लगाई जा रही है, उससे यहाँ पर ये अंदाजा है कि इस साल के आखिरी तक भारत में तकरीबन 80-90% लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लगा दी जाएगी। तो फ्रेंड्स ये थी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से जुड़ी हुई आज की कुछ बेहद जरूरी और काम की खबरें। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर सकते हैं और चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट अपडेट समय पर मिलती रहे।